नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। उत्तराखंड के सितारगंज में कल अभियान के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र का आयोजन सितारगंज स्थित महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के सभागार में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, मुख्य वक्ता और वरिष्ठ प्रचारक स्नेह पाल और कार्यक्रम प्रभारी संतोष मिश्रा मुख्य रूप से शामिल हुए, जहां कार्यक्रम की शुरुआत भगवान राम और मां भारती के चित्र के पास दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पालिका अध्यक्ष ने बताया कि महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना। आज देश के अंदर एक ऐसा संगठन काम कर रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय संघ सेवक। इस संगठन का उद्देश्य है कि अगर बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते तो विद्यालय बच्चों तक पहुंचे। यही संकल्प लेकर यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। ऐसा संगठन तैयार किया जाए कि बच्चे पढ़ाई से अछूते ना रह जाएं। ऐसे बच्चों को खोज कर विद्यालय में लाना चाहिए, जहां उन सभी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था संगठन के द्वारा की जाए। हरीश दुबे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भारत की सनातन संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, इसलिए इसे सनातन संस्कृति कहा जाता है। जिन परंपराओं के कमजोर पड़ने से हमारी संस्कृति कमजोर पड़ी है, जिसके खातिर 1000 वर्षों तक भारत गुलाम रहा, अब ऐसा ना हो इसके लिए हम सभी लोगों को मिलजुल कर इस राष्ट्र को मजबूत करना होगा। जिन महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने इस देश की रक्षा हेतु अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया, उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर इस देश की रक्षा के लिए संकल्प लेना बेहद जरूरी है। ये एकल अभियान करके पूरे देश के अंदर एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिप्रेक्ष्य में चलाया जाता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है, यदि बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं तो विद्यालय स्वयं बच्चों तक पहुंचता है, ऐसा संकल्प लेकर पूरे देश के अंदर चलाया जाता है। आज यहाँ आचार्य वर्ग लगा हुआ है, ये 4 अक्टूबर तक चलेगा और इस कार्यक्रम में आज मैं उपस्थित होता हूँ। मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि ऐसा संगठन तैयार करा जाए कि कोई बच्चे जो है कि पढ़ाई से अछूते ना रह जाए, ऐसे बच्चों को खोजकर विद्यालय में लाया जाता है और उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था कर दी जाती है। उत्तराखंड के गुरुद्वार में आज स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की 42वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज वीरचंद्र सिंह गढ़वाली उत्थान समिति की ओर से गुरुद्वार में गढ़वाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, जिसमें क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था चौक चौबंद कर रखी थी। ये दौड़ ऑडिटोरियम कोटद्वार से शुरू होकर झंडा चौक, नजीबाबाद रोड, बीएल रोड, मोटा डाक, दुर्गापुरी होते हुए वापस ऑडिटोरियम पहुंची। हिमालय के शिखर से कन्याकुमारी समुद्र तट तक की दूरी तय करने के लिए बद्रीनाथ धाम के बामनी गांव के सोमेश पवार शुक्रवार को साइकिल से देश के प्रमुख धाम बद्रीनाथ से द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम तक की साइकिल यात्रा पर निकल पड़े हैं। बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार पर बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नम्बुदरी, वेद पुरोहितों, धर्माचार्यों और स्थानीय लोगों ने युवा सोमेश पवार को स्वस्थ वाचन के साथ यात्रा की शुभकामनाएं देकर विदा किया है। बता दें कि सोमेश इससे पूर्व माणा से कन्याकुमारी और 5 बद्री संतोपत सरोवर साहसिक यात्रा साइकिल से पूरी करने का कारनामा कर चुके हैं। वहीं सोमेश पवार ने कहा है कि उनकी यात्रा का उद्देश्य आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा देश को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सनातन धर्म के साथ एक सूत्र में जोड़ने सहित स्वच्छ हिमालय, फिटनेस और साइकिलिंग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से हरिद्वार जिले में राशन कार्ड धारकों के राशन ऑनलाइन न चढ़ने पर इसका गुस्सा राशन डीलरों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जब से राशन कार्ड ऑनलाइन किए गए हैं तब से काफी लोगों के राशन निरस्त हो गए हैं और राशन कार्ड धारक डीलरों को इसका जिम्मेदार बताते हैं। इसी समस्या के चलते आज झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने मंगलौर गुड़ मंडी में सभी राशन डीलरों से मीटिंग कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर नारसन ब्लॉक के सप्लायर इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे।
राशन डीलरों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिस पर विधायक ने जल्द ही इसकी तमाम समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा कि जल्द ही राशन डीलरों की तमाम समस्याओं का निवारण कराया जाएगा। वही राशन डीलर के तमाम क्षेत्रों के अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया और विधायक का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना है। तो रुड़की से खबर सामने आई है, दरअसल विधायक ने राशन डीलरों की शिकायत सुनी है। लगातार राशन डीलर ग्रामीणों की आक्रोश झेल रहे थे। सबसे पहले आप सभी पत्रकार मेरे भाइयों का सबका बहुत बहुत स्वागत कि आपने मतलब हमारी समस्याओं पर और विधायक जी ने भी हमारी समस्याओं पर बहुत ज़्यादा गौर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। दूसरी बात, ग्रामीण स्तर शहरी स्तर में जो आजकल यूनिट कटने का बहुत ज़्यादा प्रचलन चला, इससे हम सभी राशन डीलर बहुत ही परेशान हैं और माननीय विधायक जी ने हमारी समस्या का हमें बहुत आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि बीच बीच में उन्होंने हमें जो आश्वासन दिए वो पूरे हुए। और मुझे ब्लॉक नारसन की तरफ से, रुड़की की तरफ से विधायक जी से बहुत बड़ी उम्मीद है कि जो आज आश्वासन उन्होंने हमें दिया है और हमारे डीलरों के लिए दिया है, मुझे उम्मीद है कि वो पूरा होगा। इसलिए हम सभी राशन डीलर एसोसिएशन विधायक जी का और पत्रकार बंधु का सबका आभार प्रकट करते हैं। देखिए, लगभग 9 वर्ष पूर्व से लगातार कार्ड धारकों को और जो डीलर्स हैं उनके सामने एक परेशानी थी कि कार्ड धारक से डीलर्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेते थे। स्टार्टिंग में मुखिया का आधार कार्ड लिया, फिर उसके बाद कहा कि इस पूरे परिवार के आधार कार्ड लो, फिर वो लिए, फिर बैंक के अकाउंट की पासबुक की कॉपी लो। तो इस तरह से कई बार लगातार 9 साल से ये समस्या का समाधान नहीं हुआ और ये लगातार समस्या खड़ी की खड़ी है। उस समस्या के निदान के लिए माननीय मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी, उसमें मैं भी गया था और जो समस्या वहाँ पर आई कि डीलर्स के सामने भी बहुत सी समस्याएं हैं, उपभोक्ताओं के सामने समस्या है और इसमें स्पष्ट तौर पर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं विभाग की कमी है। विभाग इसका उत्तरदायी है क्योंकि लगातार 9 साल से अगर विभाग उस समस्या का निदान नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं विभाग की कमी है। हमने स्पष्ट आज निर्देश दिए हैं कि दुकान पर जा कर के, प्रत्येक दुकान पर जा कर के पूर्ति निरीक्षक अपने कंप्यूटर के व्यक्ति को लेकर, कंप्यूटर के कर्मचारी को लेकर हर दुकान पर जाए, मैं या मेरा प्रतिनिधि वहां पर रहेगा। सभी कार्ड जिनकी यूनिट छूट गई है उसे ऑनलाइन किया जाएगा। पिरान कलियर थाना क्षेत्र के गांव बेड़पुर में मौजूदा भट्टी को लाभ देने के चक्कर में फील्ड के जेई और लाइन मैन ने मिलकर 11,000 की लाइन को शिफ्ट करने का मामला सामने आया है, जिसमें जेई की मिलीभगत के चलते कई घंटे गांव के लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा, पर अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी के चलते लाइन शिफ्ट का कार्य बीच में ही अधूरा छोड़ दिया। मामले की जानकारी जब जेई से लेने की कोशिश की गई तो उसका कहना है कि इस मामले में बिना उनकी अनुमति के लाइनमैन ने स्वयं लाइन हटाने की कोशिश की, जिस पर लाइनमैन के खिलाफ इमली चौकी में तहरीर दे दी गई है। पर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी लाइन क्या एक लाइनमैन के बिना जेई के स्थानांतरित कर सकता है। लाइट तो किस टाइम भागी, मुझे लग रहा 2 बजे से पहले लाइट भागी थी, किस टाइम भागी हो तो 11 बजे लाइट भागी थी। तो लाइन शिफ्टिंग के हमारे लाइट भगा रहे हैं वो पता जी, देखो साफ सी बात है, इस बात का पता, लेकिन लाइट भागी सर, रात परेशानी रहे। कौन सा गांव है वो? बेड़पुर गाँव है। जो डाक रात को कर रहे थे रात में, दिन में होने चाहिए शिफ्टिंग, तो दिन में होती है, दिन में होती है, रात में कर रही है। तो क्या वजह है? ये जोड़ा शिफ्ट कर रहे थे, पहले कहाँ से जा रही थी लाइन 11,000 की? 11,000 से सिद्ध जा रही थी, इसके ट्रांसफार्म रखा था जी। अच्छा, अब बदल ले, अब बदल भट्टे पे को जा रही थी जी, भट्टे पे जहाँ तुम्हारा करेक्शन लगा गया था, आप फिर दोबारा कहीं नहीं मारा गया था कहीं, आपकी रसीद भी कट गई, मीटर आपके लगा नहीं? ना जी, मीटर नहीं लगा, रसीद कट गई। पंजाब में मची राजनीतिक उथल पुथल पर कांग्रेस के महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने देहरादून में सफाई दी। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ लोगों के बहकावे में आ गए हैं,
पार्टी ने हमेशा कैप्टन को सम्मान दिया। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की तुलना में कांग्रेस के कई नेताओं को कम अवसर मिले। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र बचाने का सवाल है, बीजेपी कैप्टन को मुखौटा बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में चन्नी सरकार बेहतर कार्य कर रही है और बिजली के बिल माफ करने वहां के लोगों को बड़ी राहत लगातार दे रही है। हमारे आप सबको ये मालूम है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 1980 से हमारे दोस्त हैं और मुझे बड़े भारी मन से इस बात को कहना पड़ रहा है कि उनकी वो जो ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ाकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के उकसावे पर जिनके साथ उनका कोई सैद्धांतिक संबंध नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम की एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। साइबर अपराधी आम जनता की गाढ़ी कमाई हेतु अपराध के नए नए तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें दोनों ही वित्तीय और गैर वित्तीय मामले सामने आते रहते हैं। आपको बता दें कि साइबर अपराधों की रोकथाम और खुलासे के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि ये भी देखा गया है कि बैंक वॉलेट पेमेंट गेटवे तमाम तरीकों से पुलिस को लगातार समन्वय स्थापित करना पड़ता है। इससे पहले पिछले साल चंडीगढ़ में ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि ज्वाइंट क्राइम कोऑर्डिनेशन गृह मंत्रालय भारत सरकार की एक अहम और नई पहल है, जिसमें पूरे भारत को विभिन्न साइबर जोन में बांटा गया है, जिसमें उत्तराखंड को नॉर्थ जोन में रखा गया है और इसी वजह से यहाँ पर भी एक बैठक हो रही है जिसमें साइबर क्राइम को लेकर चर्चा की गई। देखिए, साइबर क्राइम जो है एक बाउंड्रीलेस क्राइम है, मतलब उसके लिए कोई घटना स्थल एक फिक्स घटना स्थल नहीं है कि जहाँ पे क्रिमिनल को आना पड़ेगा और तब जाके क्राइम हो पाएगा। तो ये कहीं भी रिमोट बैठे, दूसरे प्रदेशों में बैठे, इवन दूसरे देशों में बैठ के भी लोग बाग साइबर क्राइम कर लेते हैं, इसीलिए इसमें म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ये MHA ने ऐसी व्यवस्था की है, ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम्स बनाई हैं, तो हम लोग को ये नॉर्थ इंडिया वाली टीम में रखा है। तो उसकी सेकंड कॉन्फ्रेंस है और इसमें वही स्ट्रेटजीज पे चर्चा हो रही है कि कैसे हम जो है जो साइबर क्राइम्स को की चुनौती को फेस करें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े सेंटर्स पैदा हो गए हैं, जमतारा है, मेवात है, राजस्थान के कुछ एरियाज हैं जहाँ से साइबर क्राइम कुकुर मुद्दे की तरह ग्रो कर रहा है। तो इसको, इस चुनौती से हमें पार पाने के लिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस है विभिन्न राज्यों की, उनको भी ज्वाइंटली एफर्ट्स करने होंगे। तो उसी के ऊपर आज ये दिन भर का मंथन है। हरियाणा की फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम ने हरिद्वार में मौजूदा बदमाशों से मुठभेड़ की, जिसमें हरियाणा पुलिस के एक सिपाही की मौत हो गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में डकैती के आरोपियों की लोकेशन हरियाणा पुलिस को हरिद्वार में मिली थी, जिस पर हरियाणा पुलिस की टीम देर रात हरिद्वार पहुंची और बदमाशों की धर पकड़ की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक गोली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल संदीप को लगी। घायल हालत में संदीप को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया था। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। देर रात तक हर की पैड़ी के आसपास के क्षेत्रों में कॉम्बिंग की गई, जिसके बाद फरार बदमाश को पकड़ लिया गया। वहीं मामले पर SSP हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्तों के पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार, तमाम चीजें बरामद हुई हैं। तो हरिद्वार में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक सिपाही की गोली लगी है, जिससे वो शहीद हो गया। वहीं दूसरी तरफ तीन बदमाश पकड़े गए हैं। ये फरीदाबाद में दो दिन पहले एक डकैती की घटना हुई थी, जो कि काफ़ी सनसनीखेज घटना थी, जिसमें पिता पुत्र को गोली मार के डकैती को अंजाम दिया गया था।
तो जो फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो इस डकैती के क्रिमिनल्स को लगातार ट्रेस कर रही थी और इनको ट्रेस करते करते ये हरिद्वार पहुंच गई, जहां से इनको ये सूचना मिली थी कि इसके जो संभावित कुछ अभियुक्त हैं ये हरिद्वार में हो सकते हैं। यहां पर इन्होंने 4 लोगों को अपने उसमें लिया, कस्टडी में लिया, और इस कस्टडी में लेने के दौरान ही इनमें से एक अभियुक्त जिसका नाम अंशु उर्फ मोनू है, इसने पिस्टल निकाल के एक जो कांस्टेबल था उस पर बड़े क्लोज डिस्टेंस से फायर किया, जिससे कि उस कांस्टेबल संदीप की मृत्यु हो गई और उसके बाद ये बदमाश भाग गए। उसके बाद तत्काल जो स्थानीय पुलिस है उसको सूचना दी गई, वहाँ पे सारे अधिकारीगण पहुँचे, मैं भी स्वयं वहाँ पर पहुँचा और पूरी एक कॉम्बिंग ऑपरेशन वहाँ पर चलाया गया और इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इनके विरुद्ध 302 का अपराध जो है वो पंजीकृत किया गया है यहाँ पे और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। गांधी पार्क में 181 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई हैं। विधायक राजकुमार ठुकराल ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ गांधी पार्क में तैयारियों का जायजा लिया। तिरंगे का लोकार्पण कल करीब 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कार्यक्रम संयोजक विधायक ठुकराल ने बताया कि शहरवासियों की मांग पर गांधी पार्क में 181 फुट ऊंचा तिरंगा स्थापित हो गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी अतीश्वरानंद महाराज भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हुए हैं। विधायक ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांधी पार्क का जायजा लेते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया। लोकार्पण समारोह को सफल बनाने के लिए विधायक ठुकराल ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए कई जगह नुक्कड़ सभाएं की। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने लोगों से तिरंगा लोकार्पण समारोह में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने और सीएम पुष्कर सिंह धामी के विचारों को सुनने का आह्वान किया है। उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा तिरंगा हमारे द्वारा गांधी पार्क में स्थापित हो रहा है। वो तिरंगा जिसकी आन बान शान के लिए आजादी के मतवालों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदे को चुन लिया, उनकी स्मृति में उन्हीं क्रांतिकारियों के सम्मान में ये तिरंगा झंडा 2 अक्टूबर को गांधी पार्क में स्थापना हो रही है और धीरे 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 जमीन से आसमान की ओर 181 फुट ऊंचा ये तिरंगा, उसका कौतूहल उसका अलौकिक दृश्य अविस्मरणीय होगा। आम जनमानस भारी मात्रा में गांधी पार्क में पहुंचेगा क्योंकि गांधी जयंती शास्त्री जयंती पूर्ण रूपेण अवकाश है और सब बाजार बंद है, सारी फैक्ट्रियां बंद है, सारे ऑफिस बंद है, हमने सभी को इन्वाइट किया है। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने पुजारी की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पुजारी अक्सर उसके साथ कुकर्म करता था और अब उसने आरोपी को चोरी के मामले में फंसाने की धमकी दी, जिससे बचने के लिए उसने बिजली का करंट लगाकर पुजारी की हत्या कर दी। मंगलौर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए SSP हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर गांव में मंदिर की पुजारी सुखराम उर्फ सूखा की 17 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में संदीप पुत्र हृदयराम निवासी रणसूरा देवबंद ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी और इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन भी किया गया। टीमों ने साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी धर्मेंद्र पुत्र राजवीर निवासी मीरपुर को गिरफ्तार किया और पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो 32 वर्ष का युवक है और शादीशुदा नहीं है। उसने बताया कि वो और सुखराम 2 से 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं और लगातार गन्ना सेंटर में चौकीदारी का काम करता था। एक दिन सुखराम ने उसे 2000 का नोट दिखाया और कमरे में ले जा गया, जहां सुखराम ने उसके साथ कुकर्म किया। आरोपी ने बताया कि सुखराम अक्सर उसके साथ कुकर्म किया करता था और उसकी एवज में पैसे दिया करता था। ये 17 तारीख को नसीरपुर गांव के पास एक मंदिर है, उसमें एक साधु की हत्या करके उसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी और ये भी लग रहा था कि ये घटना कुछ दिन पहले की है क्योंकि डेड बॉडी थोड़ा सड़ी गली हालत में थी। क्योंकि ये एक बड़ा सनसनीखेज केस था तो इसको खोलने के लिए लगातार पुलिस इसमें काम कर रही थी, जितने संभावित मोटिव होते हैं सब पे काम किया। अंततः ये बात निकल कर आई कि जो बाबा है इनके एक व्यक्ति से जो इनके मूल स्थान पर रहने वाला था वहीं से इसके अवैध संबंध थे और इसके बदले कभी कभी उनको पैसा भी दिया करता था। बाद में दोनों के बीच पैसे को लेकर भी विवाद हुआ और वो शायद व्यक्ति इससे परेशान भी हो गया था, तो बीच में जब इसने दोबारा इसको यहाँ पर बुलाया तो पहले दोनों में झगड़ा हुआ, उसके बाद बाबा बेहोश हो गया और इसने फिर उस पर करंट लगा के उसके प्राइवेट पार्ट्स में करंट लगा के उसकी हत्या कर दी। तो ये व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, इससे बाबा का जो मोबाइल है वो बरामद हो गया है और मंदिर की चाबियाँ भी बरामद।
हर्षिल घाटी के सेब काश्तकारों के आंदोलन के बाद प्रदेश सरकार ने आनंद फानन में अडानी ग्रुप को झाला का 1200 मीट्रिक टन सेब की क्षमता के कोल्ड स्टोर को संचालन की अनुमति प्रदान की है, जिसको लेकर अडानी ग्रुप के प्रतिनिधियों और एप्पल फेडरेशन के पदाधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की, जिसको लेकर किसानों ने कहा कि कोल्ड स्टोर खुला तो है, लेकिन ये तब खुला जब काश्तकार अपने सेब लगभग 50% से ज्यादा बाजारों में बेच चुके हैं। साथ ही काश्तकारों ने कोल्ड स्टोरेज में किसानों के लिए चैम्बर की क्षमता बढ़ाने की मांग की है। वहीं जिला उद्यान विभाग ने कोल्ड स्टोरेज का संचालन अडानी ग्रुप को हैंडओवर कर दिया। सहायक उद्यान अधिकारी एनके सिंह ने कहा कि शासन के आदेश पर हर्षिल घाटी का झाला कोल्ड स्टोर अडानी ग्रुप को हैंडओवर कर दिया गया। इसके साथ ही बिजली और पानी की व्यवस्थाएं भी सुचारू की जा रही हैं। वहीं इसके बाद अडानी ग्रुप और एप्पल फेडरेशन के लोगों ने सेब काश्तकारों के साथ बैठक की और चैम्बर सहित मूल्य निर्धारण पर चर्चा की, जिसमें एप्पल क्वालिटी के हिसाब से सेबों के मूल्य पर अडानी ग्रुप और काश्तकारों ने अपने अपने विचार रखे। हर्षिल प्रधान दिनेश रावत ने कहा कि हालांकि सरकार ने कोल्ड स्टोरेज का संचालन तो कर दिया है, लेकिन ये बहुत देर हो गई है, क्योंकि अगर कोल्ड स्टोर पहले शुरू होता तो ये सितंबर प्रथम माह शुरू होना जाना चाहिए था, लेकिन अब आधे से ज्यादा काश्तकारों ने सेब बेच दिए हैं। रावत ने बताया कि किसानों की जो अब मांगे हैं उनको लेकर जिला उद्यान अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि अभी कोल्ड स्टोर संचालकों के साथ मूल्य निर्धारण पर सहमति नहीं बन पाई है। इसमें जो अदानी ग्रुप यहाँ पे आए हैं और अदानी ग्रुप के को हमने अपना ये कोल्ड स्टोर जो था विडा सिटी से लगाया, उसको हमने सौंप दिया, उनको हस्तांतरण हो गया है। और इसमें कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और बाकी जो इसमें वाटर कनेक्शन वगैरह भी इसमें अप्लाई कर दिया जाएगा। और कितने साल और विदिन ही ये अभी हमने इनको एक साल के लिए 30 जून तक के लिए इनको दिया है। 30 जून तक के कोशिश ये है कि फार्मर्स के जो अपील यहाँ पे आएंगे स्टोरेज करेंगे उसके लिए तो चलेगा और साथ फार्मर्स अगर कोई अपना बेचना भी चाहे इनको तो उस कैपेसिटी में भी ये स्टोर चलेगा। सर्वप्रथम मैं माननीय कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल एवं कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, इस जिले के सम्मानित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री मयूर दीक्षित एवं हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर मिस्टर एचएस बवेजा और इस जिले के चीफ उद्यान अधिकारी श्री रजनीश सिंह जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी मांग को सुनते हुए और हमारे साथ सहयोग करते हुए इस स्टोर को आज अदानी ग्रुप को चलाने को दिया है, जिसमें किसानों के लिए आरक्षित जो चैम्बर है उस चैम्बर को चलाया जाएगा, ये सहमति यहाँ पे प्रदान हमें मिली है। इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ मांगे ये भी रखी है कि यदि किसानों का एक आरक्षित चैम्बर भर जाता है तो उसके लिए दूसरा चैम्बर खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, उसके लिए जिला उद्यान विभाग से श्री एनके सिंह यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है। अभी किसानों का और जो हमारे अदानी ग्रुप के जो प्रतिनिधि यहाँ पे हैं वो किसानों के साथ रेट तय कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपना जो रेट अभी तक अदानी ग्रुप ने दिया है वो ऑलमोस्ट किसानों को नापसंद है, तो दोनों की चर्चाएँ चल रही है। इस वैली का ऑलमोस्ट 90% माल जो है वो बाकी अन्य जो बायर्स हैं या कंपनीज हैं उन द्वारा खरीद लिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।